डेट मुझे अच्छी नहीं लगती। ये डेट को क्यों रखा मेरे सामने? इस बार तो बच गई, लेकिन बहुत मुश्किल से। अगर राजेश भैया नितिन को देख लेते तो उन्हें पता चल जाता कि नितिन को सब पता चल गया है, तो पता नहीं वो क्या करते नितिन का। कुछ भी हो सकता था। ये उस दिन से लेकर अब तक गायब है दी। ये पुलिस तक इनकी मदद नहीं कर रही। आप अब भी कहेंगे कि आपके ससुराल वाले शरीफ है? अब तो मान जाओ दी, अब तो सारे सबूत भी आपके सामने है ना। आपके भाई है दी, दुश्मन नहीं आपके। श्वेता का क्या राज है? कहीं नितिन का शक सच तो नहीं? अगर ये सच है तो इसका मतलब अब नितिन की लाइफ भी खतरे में है। नहीं नहीं नहीं, हम नितिन के साथ कुछ नहीं होने देंगे। ये लोग बहुत खतरनाक है, किसी भी हद तक जा सकते हैं हर्षी का सीक्रेट छुपाने के लिए। भैया थोड़ा तेज चलाइए ना, उस गाड़ी का पीछा कीजिए। कम ऑन नितिन, पिक द फोन। राजेश कहाँ चला गया? यहाँ भी नहीं है तो फिर कहीं पापा जी के साथ तो नहीं? पापा जी भी नहीं है? इतनी रात को ये दोनों गए तो ऐसा तो नहीं इन दोनों के हाथ वो सबूत लग गए हो? नो 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 नो, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। अगर इन दोनों को सबूत मिल गए तो वो भी मिल जाएगा, और अगर वो मिल गया तो वो डेफिनेटली मेरा नाम दे देगा, और अगर मेरा नाम ले लिया तो राजेश तो ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। आई हैव टू कॉल हिम, मुझे उसे कॉल करके अलर्ट करना पड़ेगा। हे भगवान, फोन उठाना, फोन उठाना, फोन उठाना। फोन उठा। लगता है मुझे ही जाना पड़ेगा। ड्राइवर, गाड़ी अर्जेंटली निकालो। कहीं नितिन बाहर हुआ तो भाभी उसे कहीं देख न ले। नितिन, नितिन कहाँ है तू? दी हम ऑटो में हैं, आपकी ससुर की गाड़ी के एकदम पीछे। आज हम पता लगा के रहेंगे कि इन्होंने श्वेता के साथ किया क्या। एक बार सबूत हमारे हाथ लग जाए ना, फिर आपको इस नर्क से दूर ले जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, तू इसे कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है? चुपचाप से घर जा। पर क्यों दी? हमें जानना है कि इन्होंने श्वेता के साथ किया क्या। श्वेता के बारे में पता लगाना ना। हम तो उससे वादा करते हम सब कुछ पता लगा लेंगे, पर इस वक्त तू घर जाएगा, सुना तू? हाँ, घर जा, तुझे हमारी कसम है। ये तो ये हर बार कसम देना ना, आप प्लीज बंद करो। हम दी, हमारी बात सुनो, हम सच के बहुत करीब हैं। नितिन, जितना बोला जा रहा है उतना कर, चुपचाप से घर जा। वैसे भी ये हमारा पर्सनल मैटर है, ठीक है? इसमें इंटरफेयर करना बंद कर दे तू। और तू कब से इतना बड़ा हो गया हा? जो हमारी बात काटने लगा। बड़े हम हैं, डिसाइड हम करेंगे, तू चुपचाप से घर जाएगा भी, समझा? ठीक है दी, जैसा आप कहें। भैया ऑटो वापस मोड़ लो। सॉरी नितिन, तुझसे इतना रूडली बात करना पड़ा, पर क्या करते हैं हम?
थैंक गॉड पापा जी और राजेश आने हैं, लेकिन स्टूपिड फोन क्यों नहीं उठा रहा, इसे अलर्ट करना तो बनेगा ना। जी सर, फोन नाम है उसका रूम नंबर 402 में ठहरा। 402 तेरी हिम्मत कैसे हुई हमें ब्लैकमेल करने की? हाँ, किसके कहने पे कर रहा था ऐसा? बोल। किसने करवाया तुझे ये सब? बताना किसके कहने पे कर रहा था ऐसा? चूत तो उसके फोटो खींचे, बोल। बार पूछ रहा हूं तुझसे, बोल, बता। बता था। अरे बता ना, किसके लिए काम कर रहा है तू? आप ही के घर की। बहू? अरे कौन बहू, किसकी बहू, किसकी बात कर रहा था ये? मुझे अच्छे तरीके से पता था कि यही होगा और वही हुआ। अरे क्या होगा, साफ साफ बताओ ना। तुम मेरे सामने बहुत अच्छी बन रही थी, वो आस्तीन को सांप निकली। अरे पर किसकी बात कर रहे हो तुम? मुझे नहीं जाना, मुझे जाना नहीं है। चलो हर, रोने से कोई फायदा नहीं, चलो। नहीं, नहीं, मुझे चलो। लेकिन मुझे कहीं मत लेके जाओ प्लीज, मुझे मारो मत, प्लीज मुझे मारो मत। मुझे क्यों मार रहे हो?
नहीं हर्षी, हर्षी सॉरी, वो हम ना नींद से जगाने की कोशिश कर रहे थे, आपने हम पे वो सॉरी, हम जानबूझ कर नहीं किया। नहीं मम्मी जी, जैसा आप सोच रही वैसा नहीं है। अरे क्या हुआ बेटा, शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ। अगर मैं घर वालों के सामने नहीं गई तो उनका शक यकीन में बदल जाएगा। उनके सामने रहूंगी तो कम से कम अपने आप को डिफेंड तो कर सकूंगी। बात को कहीं भी घुमा दूंगी, कुछ भी बहाना बना दूंगी, पर इस वक्त अपने आप को सेव करना इज मोर इम्पोर्टेंट। क्या हो रहा है अर्श? राम बेटा देख संभाल ली से, ये जानकी पे हमला कर रहा है। हर्ष ने जानकी पर नहीं बल्कि जानकी ने हर्ष पर हमला किया है। ये कैंडल स्टैंड से मारा है उसको। हमने नहीं मारा, हम तो हर्षी को देखने ही आए थे, पर वो नींद में कुछ अलग ही बिहेव कर रही थी, फिर अचानक उन्होंने हम पर हमला कर दिया। हमारे कुछ समझ में नहीं आया तो हमने ये उठा लिया खुद को बचाने के लिए। कोई बात नहीं जानकी, वो हर्ष ने कोई बुरा सपना देख लिया होगा दादी, इसलिए हाइपर हो गया। तुम उसे मेडिसिन और दूध दे दो, इट विल बी फाइन। कोई बात नहीं हर्ष भाई, कोई आपने बुरा सपना देखा होगा ना? मैंने कोई बुरा सपना नहीं देखा है, मुझे ऐसे मत बोल। मैंने बुरा सपना नहीं देखा। अच्छा अच्छा, नहीं देखा, नहीं देखा। आराम करो, मुझे दवाई नहीं खानी, बहुत कड़वी है। ये वंदना कहाँ है? आ गई थी तुम? आइस पैक लेने गई थी हर्ष के लिए। वेरी गुड, वेरी गुड। मम्मी जी आइस पैक। हाँ, लेट जाओ, लेट जाओ। मम्मा इतनी जोर की मारा इसने मुझे। हम आइस पैक लगा देते हैं, लेट जाओ, लेट जाओ। थैंक गॉड, इस सब तमाशे ने मुझे बचा लिया। राजेश मुझे इस तरह क्यों देख रहा है? वंदना तेरा खेल तो खत्म, इन लोगों को सच का पता चल चुका है, अब तो तू गई। तुम्हें क्या लगा तुम बच गई? तुम्हारा सारा सच मेरे सामने आ गया आज, चलो। अरे भैया ये क्या? शिखर बस, शिखर डोंट इंटरफेयर। हमने क्या किया, क्या कर रहे आप लोग? भैया आप हमारे साथ ऐसा क्यों करें? क्या किया है हमने? अच्छे से पता है क्या किया है तुमने? क्या हो गया है राम, आखिर ऐसा क्या कर दिया है जानकी ने? क्या हुआ? हाँ हर्ष पर हमले की बात है तो इतनी सी तो चोट लगी उसे। आप लोग छोड़िए इसको, हाँ हम बात करते इससे। माँ आपको इससे कोई बात करने की जरूरत नहीं है, आपको इसका सच नहीं पता, मुझे पता चल गया, इसका खेल खत्म हो चुका है। राजेश कैसे बात कर रहा है तू? हाँ राम, जानकी इस घर की बहू है और यह कोई तरीका नहीं होता है घर की बहू से बात करने का। घर की बहू है ना तो बहू की मर्यादा में रहे, ससुराल की इज्जत बचा के रखे, उसे मिट्टी में ना मिलाए। अरे पूछिए इसे, इसकी हिम्मत कैसे हुई हर्ष की असलियत दुनिया को बताने की, हमारे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिलाने की, पूछिए इसे। पापा जी हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। दादी आप प्लीज हमारा विश्वास कीजिए, आप जानते हैं मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकते। बोलिए ना दादी। राम हमें पूरा विश्वास है कि जानकी ऐसा कर ही नहीं सकती। अम्मा जी ठीक कह रही हैं, जानकी ऐसा क्यों करेगी? वो कितना ख्याल रख रही है हर्ष का, कितना कुछ कर रही है उसके लिए। अरे मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि हर्ष के लिए जानकी से अच्छी लड़की और कोई हो ही नहीं सकती। इसने तो हमारा विश्वास ही तोड़ दिया है। इसने एक रिपोर्टर को हायर किया है दुनिया को ये बताने के लिए कि हर्ष पागल है, मेंटली डिस्टर्ब है।
नहीं पापा जी, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। माँ पापा एकदम सही कह रहे हैं। इतने दिन से हमें एक रिपोर्टर ब्लैकमेल कर रहा था, जब हमने उसे पकड़ा पता क्या चलता है कि इस घर की बहू से सब करवा रही थी। माँ कितनी बहू है इस घर में? वंदना और ये जानकी। वंदना तो ऐसा कभी कर भी नहीं सकती। ये सब इसका किया था रायर, मुझे तो पहले से ही शक था इस पर। नहीं एक मिनट भैया, मतलब मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये जो रिपोर्टर को आपने पकड़ा वो गलत काम कर रहा था। उस गलत रिपोर्टर ने हमें बताया कि हमारे घर में जितने गलत काम हो रहे थे वो सब जानकी भाभी कर रही थी। अब ये गलत इंसान ये बात सच बोल रहा है कि जानकी भाभी सब कुछ कर रही थी, इस बात की क्या गारंटी है? नहीं मतलब हम लोगों ने तो कभी नहीं देखा जानकी भाभी को कुछ गलत करते हुए। आपने देखा है? हाँ। नहीं हमने तो नहीं देखा, क्योंकि भैया जानकी भाभी तो हर्ष भाई के लिए जान देने को तैयार रहती है। लेकिन शिखर, अगर वो हर्ष भाई के लिए जान देने को तैयार है तो उन पे अटैक करके उनको मारने की कोशिश क्यों कर रही थी? अरे रूही ये कहाँ प्रूव हुआ? भाभी ने जो भी किया वो हर्ष भाई को मारने के लिए किया था। अटैक हुआ ये तो प्रूव हुआ है ना। अरे रूही लेकिन बहुत हो गया, जानकी ने हर्ष की और हमारे परिवार की इज्जत को मिट्टी में मिलाने की कोशिश की, इसका प्रूफ है हमारे पास। आते भगवान, आप तो कमाल के हो, मेरा सारा किया धरा जानकी के सर डाल दिया। थैंक यू सो मच। चलो अब मैं भी बहती गंगा में हाथ धो लेती हूँ, थोड़ा बहुत इल्जाम मैं भी जानकी के सर पे लगा देती हूँ। कहा था ना मैंने आप दोनों को, ये बस एक मौका ढूंढ रही थी और देखिए मिल गया ऐसे एक मौका। आप लोग बहुत भोले हैं, आप इसकी चलाकी समझ ही नहीं पाए। आपको लगा कि इसने हर्ष का बर्थडे मना लिया तो पूरी जिंदगी बना देगी। वो तो अच्छा हुआ पापा जी और राजेश को सब पता चल गया, वरना ये तो शास्त्री खानदान का नाम ही डुबो देती, तमाशा खड़ा कर देती। ये क्या किया तुमने जानकी? तुम भी इस घर का हिस्सा हो, ये तुम्हारा परिवार है और तुम अपने ही परिवार के बारे में। भाभी हमने ये सब नहीं किया है, कैसे विश्वास दिलाए आप लोगों को? दादी आप ये सोचिए, अगर हर्षी की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आएगी तो हमारे परिवार को भी तो पता चलेगी ना, हमारे पापा को भी पता चलेगी, और अगर हमारे पापा को पता चल गई तो वो तो आप लोग तो जानते हैं क्या होगा उनके साथ। प्लीज बिलीव मी, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। इतनी इनोसेंट हो ना तुम, तो आज छुप छुप के बात किससे कर रही थी? और जब मैं आया तो उस रिपोर्टर को भगा क्यों दिया तुमने? और क्यों बताया उसने? ये सब हमारे घर की बहू ने करवाया। बस बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, अब नहीं। वंदना जानकी को ले जाओ और इसे कमरे में बंद कर दो। पर आज से इसका खाना बंद, पानी बंद, कोई कुछ नहीं देगा उसे। कुछ दिन तक वैसे ही रहेगी तो सच अपने आप बाहर आ जाएगा। और एक बात, अगर किसी ने हमदर्दी दिखाने की कोशिश की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। ले जाओ इसे। पर पापा जी। वंदना सब्सक्राइब करें दंगल टीवी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।